हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि युगलीना को प्लांट एनिमल क्यों कहा जाता है। युगलीना जो हम जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में रहता है, तो उसको प्लांट एनिमल कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो हम देख लेते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं युगलीना। युगलीना को प्लांट एनिमल क्यों कहा जाता है? इसको प्लांट एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और कुछ एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट के कैरेक्टर अलग अलग हैं और एनिमल के कैरेक्टर अलग हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही अलग हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे जो प्लांट सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, तो जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना ये शो करता है कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जा रहा है तो ये शो होगा कि ये प्लांट सेल है। क्लोरोप्लास्ट का पाए जाने का मतलब ये है कि ये ग्रीन कलर का होगा, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में, और फोटोसिंथेसिस भी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते हैं। और ये युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और युगलीना फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट हुआ। इससे ये प्रूफ होता है कि ये प्लांट हुआ। अब प्लांट सेल के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ये जो प्लांट का कैरेक्टर है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लांट सेल का कैरेक्टर है, उसी तरह से प्लांट सेल का दूसरा कैरेक्टर है कि सेल वॉल पाया जाता है। तो क्या इसमें सेलवॉल पाया जाता है? नहीं। अब इसमें सेलवॉल नहीं पाया जाता, सेलवॉल की जगह इसमें पेलिकल पाया जाता है जो कि प्रोटोजोअन्स का कैरेक्टर है, पेलिकल। तो इससे ये शो होता है कि ये प्लांट नहीं, ये एनिमल है। अब ये कैरेक्टर तो इसका प्लांट वाला है, ये कैरेक्टर इसका कौन सा है? ये एनिमल वाला है। अब एक और कैरेक्टर देख लेते हैं इसका। इसमें मायोनीम्स का पाया जाना, मायोनीम्स का पाया जाना का पाया जाने का मतलब ये है कि इसका एक तरह से समझिए मूवमेंट का करना। तो मूवमेंट का करना, अब ये मायोनीम्स का पाया जाना इसमें ये शो करता है कि ये एनिमल है, या इसका रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन इसका बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कैरेक्टर्स जो है ये शो करते हैं कि ये कैरेक्टर्स इसको एनिमल से मिला देते हैं, और ये कैरेक्टर इसको पूरी तरह से प्लांट से मिला देता है, क्योंकि प्लांट ही में फोटोसिंथेसिस होता है, किसी एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये प्लांट सेल हुआ, और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये इसके अकॉर्डिंग ये एनिमल सेल हुआ। तो अब ये बॉटनिस्ट इसको इसके क्लोरोप्लास्ट पाए जाने और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इसको प्लांट्स में काउंट करते हैं, और इन एनिमल कैरेक्टर्स की वजह से इसको एनिमल्स में काउंट किया जा सकता है। तो अब इसीलिए इसको प्लांट एनिमल कहा जाता है। एक यहां पर हम आपको रफ सा फिगर ड्रॉ कर दें युगलीना का, अगर आपके को याद ना आ रहा हो, ये युगलीना होता है इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे कि इसमें ये प्लांट का कैरेक्टर पाया जा रहा है, ये एनिमल के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। तो अब ये दोनों कैरेक्टर इस तरह के हैं कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। ये पूरी तरह प्लांट वाला है, ये पूरी तरह से एनिमल वाला है, तो इसीलिए इसको प्लांट एनिमल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।